गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मी योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा इनवाइट यू टू इन सेशन ऑफ प्रवचन विच इज बीइंग हेल्ड रेगुलरली एट श्री भगवान ज्ञानेश्वर गंगा माता टेम्पल 5 बिहार इन आगरा. टुडे अगेन आवर सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री सुना जी is going to speak on a very important topic of the day, which is related with our welfare of our Indian society. In fact, in our India, traditions for our society, how these traditions perform and what is the science behind these traditions, he will speak in total upon this topic. I hope you like this and will encourage everybody to listen to this talk in your society so that they will be motivated on the right way of their life. With these words, I again request you somebody to please subscribe our channel so that we can be encouraged to make such kind of video in the future again and again for you. And we are on Facebook. So I request you to go in content and find all the links and details of all. Thank you very much. Tradition, आज का शब्द. Tradition क्या है? परंपराएं क्या है? कैसे ये परंपराएं समाज में आती हैं और लोग इसको फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाते हैं. और आज वर्मा साहब का ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और ख़ास करके वर्मा साहब तो सुने ही और साथ में हमारे धर्मपाल साहब भी आवे, वो भी सुने और तुम बच्चों इसके साथ एंजॉय करो. क्योंकि ये ट्रेडिशन मैं ट्रेडिशनल ढंग से नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं अनट्रेडिशनल ढंग से एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. क्योंकि तुम्हारे जैसे बाल गोपाल जो बड़े हुए हैं ये समझें कि ये ट्रेडिशन क्या होता है, कैसे ट्रेडिशन को समाज में किया गया और बिना लॉजिकली कुछ पूछे हुए, बिना सवाल किए हुए लोग इसको फॉलो किए जा रहे हैं, गोबर गणेश के सामने सर झुका रहे हैं, चंदन टीका लगा रहे हैं. लेकिन किस लिए चंदन टीका लगता है, किस लिए गोबर के सामने हम पूजा कर रहे हैं, किस लिए हम कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये ट्रेडिशन जो बना आ रहा है बस एक कहते जा रहे हैं कि यही रीति रिवाज है, करते जाओ. जेंटलमैन, तुम बच्चों को आज भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिशन को क्या है, इसके पीछे की साइंस. अगर ये साइंस जानेंगे तो उसको एक्सेप्टेंस जो है हृदय से होगा और उसको जीवन भर फॉलो कर सकते हैं. लेकिन बिना जाने समझे सोचे विचारे कदम न रखें इस दुनिया में, हर चीज़ पर कहीं ना कहीं अपनी क्यूरियसिटी जाहिर करें, जानने की कोशिश करें कि ये क्या है, पूछें अपने बड़ों से कि ये क्या है. केवल थोथी केवल दलीलों से मत अपने को संतुष्ट करो, उसके बारे में जानो, आगे बढ़ो. जैसे गोबर गणेश का मैंने नाम लिया, गोबर गणेश की बात नहीं करनी है जो पंडित करवा रहे हैं कि गोबर का एक टिकिया बना करके गणेश का ही कर दिए. गणेश इज सिम्बॉलिकल आइडल ऑफ लीडरशिप. गणेश की सारी क्वालिटी एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज मैं उसे दोहराना नहीं जा रहा हूँ. आज मैं ट्रेडिशन के ऊपर एक आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, सुन लो. और ये तुम्हारे अंदर एक जागृति, एक आग पैदा कर देगी जो आने वाले समय में हमेशा तुम पूछोगे इस चीज़ को मानने जा रहा हूँ तो क्यों मानने जा रहा हूँ, ये क्यों शब्द जो है ये तुम्हारे ज्ञान की बढ़ोतरी करेगी. क्योंकि तुम्हारे 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख कान नाक मुंह त्वचा, इनसे जो बाहरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन इन्फॉर्मेशन के आधार पर दिमाग एक डिसीजन लेता है. उस डिसीजन के बाद ही कोई चीज़ को मानो, उसको चर्निंग करो, उसको मिलाओ अपने माथा में, उसका एनालिसिस करो और जो अर्क निकले वही तुम्हारा ज्ञान कहलाता है. ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कुछ देख लिया ज्ञान हो गया, कुछ पढ़ लिया कुछ ज्ञान हो गया, कुछ सुन लिया कुछ अनुभव कर लिया वो ज्ञान हुआ. ज्ञान बच्चों ये नहीं है. ज्ञान है कि जितने भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास रिसीव करने की चीज़ें हैं, जितने भी तुम सुनते हो पढ़ते हो देखते हो
और अनुभव करते हो इन सारी चीज़ों को पहले मिला लो और मिला करके उसे चरण करो, चरण करके जो अर्क निकले वो तुम्हारा ज्ञान कहलाएगा, वो तुम्हारी मास्टरी कहलाएगी। आओ एक ट्रेडिशन पर कहानी सुनते हैं, क्योंकि तुम बच्चे हमेशा कहानियों के प्रति उत्सुक रहते हो। और अभी सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ, जो भी तुम लोग आए हो कल से और ज़्यादा आओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में लाइट जलाना हम ही बुजुर्गों का काम है। अगर आज हम प्रकाश न फैलाएं तुम्हारे अंदर तो शायद जीवन भर अंधेरे में भटकते रहोगे, इसलिए तुम्हारे अंदर प्रकाश फैलाना ये मेरी दायित्व है, मेरी ड्यूटी है, मेरा मोरल ड्यूटी है। और इसी के साथ साथ मैं वर्मा साहब, धर्मपाल सिंह साहब से भी अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी रहें बच्चों को जरूर शिक्षा दें, बच्चों को एक मार्ग दिखाएं, जो हम जहाँ पर ठोकर खा चुके हैं उस ठोकर से बच्चों को अवगत कराएं, ताकि हमारे बच्चे उन ठोकर से न सामना करें, उनका रास्ता सुगम हो। और ये कंकरीला पत्थर को हमको हटाना है। आओ कहानी शुरू करते हैं। एक बड़ी सी पिंजरा बनाई गई, उसमें 5 बंदर रखे गए। क्या रखे गए बेटा? 5 बंदर रखे गए। और उस पिंजरे के अंदर एक सीढ़ी लगाई गई। पिंजरा बहुत विशाल था, काफी ऊंचाई वाला था, उस पर एक सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी के ऊपर केला लटका दिया गया। क्या लटका गया? केला। सीढ़ी के ऊपर बनाना को लटका दिया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि बंदरों को केला बहुत पसंद है, बंदरों को केला बहुत पसंद है, तो वहां केला लटका दिया गया ऊपर में, वो सीढ़ी की है पिंजरे के टॉप पर, और वहां तक सीढ़ी जा रही। बंदर जो है वो देखा केला, बोला आज तो मेरा हो गया दावत, फर्स्ट क्लास केला है क्या, ये सीढ़ी छलांग लगाऊंगा और फटाक से पहुंच जाऊंगा, क्योंकि बंदर छलांग लगाए तो आ ही रहा। तो एक बंदर वहां से निकला और सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश किया। जैसे वो 2-4 डंडा सीढ़ी का पकड़ा, वैसे ही ऊपर से ठंडा पानी का फवारा आया, सावर आया। अब बंदर के ऊपर जब ठंडा पानी गिरा तो बिलबिलाया और बिलबिला करके भागा नीचे आया। उस देर के बाद पानी बंद हो गया। फिर कोशिश किया दूसरा बंदर, हटो तुम फेल कर गया, तुम्हारे से जरूर कोई ना कहीं गलती हो गई, तुम गए हो गए, कुछ ऐसा हो गया होगा गलती से कि पानी पड़ गया। तो दूसरा बंदर चला, दूसरा बंदर भी जैसे 2-4 सीढ़ी चला, फिर पानी का फवारा आ गया, फिर वो भी कूद करके भागा जान बचा करके पानी से। इस तरह से 5 बंदर चढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही केला पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं वैसे ही पानी पड़ने लग रहा है। अब बड़ा मुश्किल हो गई। सारे 5 बंदर अलग अलग ढंग से ट्राई कर चुके, सबको दिखाई दे रहा है कि मेरा प्रिय भोजन वहाँ पड़ा हुआ है, और उसको प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं सीढ़ी भी लगा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि इतना 15 फीट जंप लगाना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी भी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सीढ़ी पर पैर रखते ही पानी पड़ रहा है। अब 5 एक सोच विचार करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, फिर उसमें से एक जो है लीडर टाइप का बंदर फिर निकलता है, फिर चढ़ने की कोशिश करता है, धीरे से पैर दबाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही 2-4 डंडा ऊपर चढ़ता है फिर पानी पड़ता है। दूसरा बंदर कहा कि ओ लग रहा है कि शुरुआत में पानी पड़ता है, चलो 8वीं सीढ़ी तक छलांग लगाता है, बहुत जोर मारता है और 8वीं सीढ़ी पर पहुँचता है, लेकिन जैसे ही ऊपर पैर रखता है सीढ़ी पर पानी गिरता है तो फिर नीचे आ जाता है। अब 5 के 5 मन महसूस करके ये डिसीजन लेते हैं कि भैया केला खाना मुश्किल है, क्योंकि इस ठंडे पानी से स्नान करना, अब केला भी नहीं प्राप्त हो रहा, पानी प्राप्त हो रहा, सो इसको बंद करो। अब क्या किया जा रहा है कि 5 बंदर में से 1 बंदर को निकाल दिया गया और एक नया बंदर उसमें डाल दिया गया। अभी जो नया बंदर गया इसको तो मालूम नहीं था कि सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो पानी पड़ेगा, तो उसने सीढ़ी पर चढ़ाई लगाई, क्योंकि केला प्रिय है तो प्राप्त करने के लिए वो सीढ़ी पर चढ़ा तो पानी पड़ा तो नीचे आ गया। नीचे आया तो सभी बंदर उसको धर के ठुकाई कर दिए, चारों जो बाकी थे।
वो ठुकाई कर रहे हैं किस लिए? कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, वहां चढ़ने से पानी पड़ता है, इन नालायक आकर के सबको गीला करवा दिया, तो उसकी खूब जम करके ठुकाई। फिर दोबारा वो मौका देखता है कि चारों किनारे बैठ गए, तो फिर वो कोशिश करता है, क्योंकि केला बहुत प्रिय है। फिर वो चढ़ता है, फिर पानी पड़ता है, फिर चारों उठते हैं, चारों मिल करके दद दनादन मारते हैं उसको, समझे ना। अभी बेचारा, इसको मालूम हो जाता है कि वहाँ पर जाने से ठुकाई होती है, पानी पड़ता है। अब जो है क्या किया गया, एक और पुराने बंदर को निकाला गया, एक बंदर और उसमें डाल दिया। अब जो है पानी बंद कर दिया, लेकिन ये बंदरों को पता नहीं है कि पानी बंद हो गया। अब जो आ रहा है चौथा बंदर जो बदला गया था, पांचवा तो पहले ही बदल दिया गया, चौथा बंदर जो बदला गया था, ये अब सोच रहा है कि वो चलो नया है वहाँ पर पाओ केला को, ये सीढ़ी पर चढ़ता है। तब तक चारों देख लेते हैं उसको पैर रखते हुए सीढ़ी पर, चारों के चारों उठते हैं, दद दनादन कुटाई करते हैं, पानी नहीं पड़ रहा है, पानी नहीं पड़ा इस बार, लेकिन कुटाई जम करके हुई। क्यों? क्योंकि उन सबों को मालूम था पहले वाले बंदरों को कि यहाँ चढ़ेगा तो पानी पड़ेगा, पानी पड़ेगा तो हम लोग गीला होंगे तो साला क्यों चढ़ रहा है, तो उनकी कुटाई होती है। अब फिर कुछ दिनों के बाद एक बंदर और बदल गया। अब ये जो बंदर फिर नहीं आया, ये भी चढ़ने की कोशिश किया, चढ़ने की कोशिश हो रही है तो धर के धुनाई हो रही है, देद दनादन पिटाई हो रही है। अब धीरे धीरे पांचों बंदर बदल दिए गए। जो भी बंदर वहाँ थे जिनको ये अनुभव था कि सीढ़ी पर चढ़ने से पानी गिरता है, वो सारे बंदर बदल दिए गए। लेकिन एक चीज कार्य क्रियाशील था, क्या था कि सीढ़ी पर चढ़ोगे तो बाकी जो बचे हुए हैं वो डेथ दनादन धुनाई करेंगे, तो उनकी पिटाई चलते रही और पांचों के पांचों बंदर जो नए थे वो बेचारे नीचे बैठे रहते थे, केला ऊपर टंगा रहता था, लेकिन किसी बंदर की ये हिम्मत नहीं है कि ऊपर चढ़ सके, क्योंकि उनको शुरुआत से यही बता दिया गया है कि केला खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ना मना है, सीढ़ी पर चढ़ोगे तो पिटाई होगी। क्योंकि जो पानी वाला बंदर था वो तो जा चुके, लेकिन पिटाई जो है वो कंटिन्यूड है। तो यही है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन किस कारण से हुआ था, ये कारण गौण हो जाता है। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो आपको बताया गया वो परिस्थितियां तो नगण्य हो जाती है, लेकिन उसका ढोने वाले जो लोग होते हैं वो उसको बिना सोचे समझे उसको ढोए चले जाते हैं। आज जो कोरोना काल चल रहा है, मुंह पर पट्टी बांध करके घूम रहे हैं, आधा चेहरा अनार कली की तरह छुपा के चल रहे हैं, ये देखोगे बच्चों कि जब ये कोरोना खत्म भी हो जाएगा तो कुछ लोगों की पट्टियों का ट्रेडिशन नहीं खत्म होगा, ये पट्टियां चलती रहेंगी और आतंकवादी का रूप धर करके लोग चलते रहेंगे, तो एक पट्टियों का भी जुगाएगा जो ट्रेडिशन बन जाएगा। इसलिए कोई भी ट्रेडिशन जब आपको कहा जा रहा है फॉलो करने के लिए, तो एक बार उसका साइंटिफिक रीजन खोजने की कोशिश कीजिए, एक बार उसमें दिमाग लगाइए कि ये चीज़ क्या है। अगर ये चीज़ समझ में आवे, ये दिमाग में उतरे कि इससे पीछे कुछ सर्टेन लॉजिक है, तब तो उसको समझ कीजिए, अन्यथा उसको प्रणाम करके अपने को दूर कीजिए। तो बच्चों आज ये समझ में आ जाएगी आपको कि ट्रेडिशन जो है उसको कैसे अपनाना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर व्याख्यान आपने दिया सर साहब, उम्मीद है हमारे बच्चों को और पसंद आएगा, और हम कभी भी कोई पुरानी ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे तो उससे पहले हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या आज के समय कालों परिस्थिति में ये अपनाना न्यायोचित है या इसके दिन चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अगले दिन के लिए इंतजार करेंगे आपको कुछ नया सुनाने के लिए।